madam na pore dada dikhe are babu सर सर एक बार इधर सर सर इधर आइए पीछे आइए और पीछे आइए सर एक बार सर एक बार लेफ्ट टू राइट Thank you sir. Yeah.
मैडम सर पीछे आ जाइए। आप बीच में आ जाइए ना सर, बोलो हाथ में पकड़ लीजिए। अरे वाह बढ़िया हो गया, ये बढ़िया हो गया ना हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चेयरमैन काली सरकार साहब,
सेक्रेटरी देवाशीष बाबू, मुगल किशोर दास जी और हम लोग के साथ आए थे हम लोग के दरभंगा नगर निगम की पार्षद मतपाला सिन्हा जी, पूर्व पार्षद प्रदीप गुप्ता जी, दरभंगा के प्रधान खबर अखबार के ब्यूरो चीफ सतीश जी, दरभंगा के जी न्यूज के मुकेश जी, दरभंगा जिला निगरानी समिति के सदस्य नरेंद्र सिन्हा जी, पी मित्रा जी, जी एन झा जी, विप्लव, हम लोग को बहुत प्रसन्नता हो रही है यहाँ आकर। जो सुलभ इंटरनेशनल के जो संस्थापक है आदरणीय बिंदेश्वर पाठक, वह नाम कोई नया नहीं है। भारत सरकार ने पद्म विभूषण से जिनके सामाजिक कार्य के लिए उनको सम्मानित किया। सुलभ शौचालय कहाँ पर है? मतलब इन्होंने पूरे देश में एक सार्वजनिक स्थानों पर जो कम्युनिटी टॉयलेट की जो व्यवस्था की, उससे वो देश नहीं पूरे विदेश में एक चर्चित शख्सियत के रूप में हुए। अभी 4-5 दिन पहले नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि देश में अशुद्ध पेयजल पीने से लगभग 2 लाख लोग की मृत्यु हो जाए और 2030 तक देश में पेयजल की भारी समस्या, अगर यह स्थिति रही तो यह समस्या जो है बहुत विकराल रूप धारण कर लेगी। और लोग भी कहते हैं 4th विश्व युद्ध शुद्ध पेयजल के अभाव के कारण नहीं होने वाला है। और कैसे शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध कराया जाए, आपके इस गांव में आने के बाद हम लोग को पता चला कि यह पूरा आर्सेनिक प्रभावित गांव है। 1600 परिवार यहां पर है, लगभग 8 से 9 हजार आबादी जनसंख्या इस गांव की है। और हम लोग के यहाँ भी, जहाँ मैं मिथिला से आता हूँ, बिहार के दरभंगा हेडक्वार्टर, वहां से 4th बार लोगों ने मुझे MLA के रूप में चुना है। हमारे मिथिला में, दरभंगा में भी लगभग 24-25 आर्सेनिक प्रभावित गांव, परिवार के परिवार कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। बहुत विभीष का बहुत वहां के स्वरूप देखने से इतनी विभीष का की जो स्थिति है, और यहाँ आने के लिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि आर्सेनिक प्रभावित गांव में क्या स्थिति है। और यहाँ लोगों के चिंता की आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी, जो वर्षा से जो जल आता है कैसे उसको शुद्ध करके और ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, यह चिंता अगर किसी ने की तो आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी ने इसकी चिंता की। और आज इस गांव में पेयजल, शुद्ध पेयजल लोगों को मिल रहा है। हम लोग भी यहाँ से 700 किलोमीटर दूर से इसी को देखने आए कि कैसे यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी ने जो यहाँ शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हो, चाहे राज्य सरकार करे या आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी से भी हम लोग आग्रह किए हैं कि नहीं, एक और प्रोजेक्ट आप जो मिथिला लिखे में वहां का मुख्यालय दरभंगा है वहां आप लगाइए, जो वहां भी आज वृद्ध मानवता की सेवा कर रहे हैं बिंदेश्वर पाठक। इसमें करने में कहीं कोई हम लोग को अतिशयोक्ति नहीं, पर पूरे विश्व में आज अमेरिका में एक दिन वहां के मेयर ने बिंदेश्वर पाठक डे के रूप में घोषित किया, जापान में इसको सम्मानित किया गया। पूरे विश्व में आज बिंदेश्वर पाठक जी का जो प्रोजेक्ट है वो खोजा जा रहा है, उसको देखा जा रहा है कि कैसे बिंदेश्वर पाठक जी ने काम किया है। निश्चित रूप से हम लोग भाग्यशाली हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पूरा जीवन जिसने वृद्ध मानवता की सेवा की है, जिसने गरीबों की चिंता की है, कैसे शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराया जाए, कैसे पूर्व में शौचालय का अभाव था, कम्युनिटी टॉयलेट की एक कल्पना अगर देश में किसी ने दी तो आदरणीय बिंदेश्वर पाठक जी ने इस कल्पना को धरातल पर साकार किया। और आज उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कल्पना थी स्वच्छ भारत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज स्वच्छ भारत की कल्पना की है, पूरे देश में एक अभियान चलाया है कि कैसे जब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं होगा तब तक जो हम कल्पना करते हैं स्वस्थ भारत की, तो बिना स्वच्छ भारत के स्वस्थ भारत की कल्पना नहीं हो सकती। और यह काम जो है आज बिंदेश्वर पाठक जी भी आज आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग अभिभूत हैं। हम लोग इस सम्मान को भूल नहीं सकते कि आज 700 किलोमीटर दूर आज इस उत्तर परगना के जिले में आज इस गांव में हम लोग आए हैं और यहाँ जो बिंदेश्वर पाठक जी की जो कृति है इसको हम लोग देखे हैं, तो निश्चित रूप से यह कृति मिथिला के दरभंगा में भी होगी ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं। और निश्चित रूप से बिंदेश्वर पाठक जी के प्रति एक सम्मान प्रदर्शित करते हैं कि आज बिंदेश्वर पाठक जी ने जो काम किया है देश में और विदेश में निश्चित रूप से यह अनुकरणीय है। ऐसे यह काम सरकारों का है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन वह काम आज बिंदेश्वर पाठक जी कर रहे हैं निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है। आप सभी लोगों का मैं समस्त दरभंगा की ओर से, बिहार की ओर से आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और निश्चित रूप से बिंदेश्वर पाठक जी ने जो कीर्ति की है उसके लिए मैं बिंदेश्वर पाठक जी का भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। और जितने पत्रकार आए
किंतु आवश्यकता इस बात की है कि जो साहित्य ने दोनों विषय किए हैं, सृजन के भी और विध्वंस के, राम को किसे देखा नहीं लेकिन उसे दिखा दे राम ने, रावण को किसे देखा नहीं किसी का रावण है। तो जो बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, विद्वान है, उनका काम है ये बताना कि कौन राम है कौन रावण है। तो ये लोग आए हैं, इस नाम को देखा है, अच्छा लगा कि लोग आए, समय निकाल के आए। और महत्वपूर्ण बात ये है कि राजा भोज ने एक बार पंडितों को बुलाया था। राजा भोज आए थे, राजा भोज के यहाँ पंडित आए थे, पंडितों से कहा राजा भोज ने कि आपकी बात कुछ कही है। तो एक पंडित ने दीवार कही कि महाराज, मैं जब आ रहा था तो मेरी पत्नी ने चार रोटियां बांध दी थी और कही थी कि हम भूख लगे खा ले। तो रास्ते में जब मैं बैठा खाने के लिए तो एक कुत्ता वहां आ गया, मुझे लगा कि उसको ही भूख लगी है, तो एक रोटी उसको दे दी। फिर वो दूध लग लगा, मुझे लगा कि उसको और भूख लगी है, तो उसको एक रोटी और दे दी। दो रोटियां मैंने खाई, दो रोटियां उसको दे दी। राजा बहुत प्रसन्न हुए, भोज दाल में हिस्सा दिया। तो जीवन में क्या है, सफलता आपको मिलती है वो सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं है, वह लोगों के लिए भी है। God has helped you to help someone। 7 अरब लोग में कितने लोग आपके से संपन्न है, इसका मतलब है कि ईश्वर ने जो आपको दिया है, सामर्थ्य बनाया है, तो आपको दूसरों को देना चाहिए। उसी क्रम में जो अब आप देखिए, पहला काम क्या किया, इस देश में 5000 वर्ष से एक जाति पूरी की पूरी नरक में रह रही थी। नरक का मतलब ऐसा स्थान जहां तकलीफ ही तकलीफ मिलता हो। तो स्वर्ग है कि नहीं, नरक है तो पता है, लेकिन जो कल्पना की गई है नरक में, नरक का मतलब है कि सारी की तकलीफें अधिक से अधिक हो सकती है। यहां तक कहते भाई दादी आपने पाप किया है तो आपको तेल में थोड़ा गए आपको किया जाए। तो 5000 वर्ष से जो मैदान हो रहे थे और जन्म से लेके मृत्यु तक अछूत 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 कहलाते थे, सम्मान का तो बेटा नहीं, उन लोगों को इस काम से निकाल के और स्वर्ग मिला दिया। तो ये है कि एक ही व्यक्ति दो जीवन जीता है, मतलब रख देते हैं, स्वर्गते हैं, लोग बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और सबसे नीची जाति है झूठ कहते थे लोग, उनका सबसे ऊंची जाति बराबर बना दिया। तो लंबी कहानी हम छोड़ देते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि वहां शुरुआत की हमने शौचालय की है साथ। और फिर स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, सेंटर की म्यूजियम, तो 32 कार्ड ऐसे हमने किए
उसके साथ साथ ये हुआ कि आर्सेनिक एरिया में स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, केजरीदास चले गए उससे ज्यादा था, तो केजरीदास से मैंने कहा कि आप पता लगे तो आपकी जो सोसाइटी है मधुसूदन काटी ताली बजाई, इतने पहले आप ताली बजाई तो बताइए, तो इतना अच्छे से लोग काम करते हैं सो गुड कि जब से हम लोग यहाँ आ रहे हैं हरदम कुछ न कुछ अच्छा काम होता रहा है। हर साल हर बार जब मैं आता हूँ तो नया काम दिखाई पड़ता है, आज ये किया कल वो किया, इनका भी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तालाब का पानी साफ करने से, लेकिन तालाब के पानी से साफ नहीं किया इन्होंने, लोगों की जान नहीं बचाई, साथ साथ जो बनाया है जगह इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए तो है कि सोसाइटी सोसाइटी जो है उसको काटी की काली पत्रकार जिसके चेयरमैन है, तो महत्वपूर्ण बात क्या है जीवन में कुछ न कुछ न कुछ काम करने चाहिए। आपके संस्था का नाम आप गाँव का नाम पंचायत का नाम पंचायत के काम तो मेरे जीवन का इतिहास जब लिखा जाएगा उसमें मैंने नहीं रोका है, पहला नाम आएगा आरा शहर का और कि आरा शहर से ही हमने अपने काम की शुरुआत की। जब भी वकी मुक्ति की बात आती है महिला ढूंढने की प्रथा को समाप्त करने की बात आती है तो आरा शहर का नाम जरूर आता है। उसी प्रकार से पब्लिक हेल्थ की बात आती है तो पटना शहर की बात जरूर आती है क्योंकि पटना से शुरुआत की थी, ऐसे और सभी हैं। अब जब भी शुद्ध जल साफ जल की बात आएगी अस्तित्व के लिए तो मधुसूदन काटी का नाम सबसे पहले आएगा, पहला है कि जिसने इतना अच्छा काम किया और इनके काम को देख करके बहुत सी सोसाइटियां भी आ रही है, पास जो फंक्शनल सोसाइटी पास है वो मिर्जापुर है जो मेदी प्राप्त करते हैं बंगाल में, मिर्जापुर है और वो जो चारकोटगंज है इंगलगंज है और फिर आपका जो ये शांति निकेतन है बोलपुर गांव से स्वामी जी चले गए तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर तो वो उनके कुआं से पानी निकाल के साफ होता है। तो मधुसूदन काटी की शुरुआत जब हुई तो अभी लाइन लग गया है, 100 लोग अभी तैयार है, 100 सोसाइटी तैयार है कि हमको आप हेल्प कीजिए हम तैयार है काम करने का। तो जब किसी चीज का रेप्लिकेशन शुरू होता है इसका मतलब काम अच्छा हो रहा है। तो आप हमें यही कहना चाहते हैं कि मधुसूदन काटी का नाम जब भी शुद्ध जल की बात आएगी तो आपका नाम निश्चित ही हो आएगा, तो एक इतिहास में आपका ही नाम हो गया है। ताली की बात क्या हो जाती है, ताली में तब बहुत ज्यादा गर्मी होती है स्पीकर को बोलने वाले इसे देखिए कभी लोग जो है ब्राउड कह रहे हैं ताली बजाइए जनता बजाए मत बजाए कभी लोग बजवा लेते हैं तो हम लोग बजवा लेते हैं बजा तो काम कर रहा हो। अब 14 से जो काम शुरू किया है राज के दोनों तालाब कितना साफ सुथरा है कितना बढ़िया है लेबोरेटरी है वॉक जो बना दिया है उन्होंने गेस्ट हाउस बना दिया है उन्होंने और मेरे लिए बैठने का बनाया है सोने का बनाया हमने अब आके हमको रहना पड़ेगा तो मेरे यहाँ पर तो ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं मेरे शब्द नहीं है ये देखिए कि प्रोसेस जो पानी के दिखाया गया आपको कैसे पानी तालाब से निकलता है फिर आता है जहाँ की जमा होता है सेडिमेंटेशन जहाँ होता है उसके बाद उसको फिर कैसे क्लीन करते हैं
और कैसे अंतरिक्ष से पास होने वाली तो करने का मतलब यही है कि आप भी थोड़ा सा खोलने को इराम जो है आज उनको करना चाहिए ताकि समाज का कल्याण रहे। तो अब गंगा के लोग आए हैं, नवी जी भी अपने अच्छी व्यक्ति है, ये भी नया नया काम करते रहते हैं और आपको आश्चर्य लगेगा कि प्रति पार्षद है दोनों ने मिल करके अपने पैसे से नल लगवाया, लोगों को पानी पिलाने के लिए, अपने वार्ड के पानी पिलाने के लिए अपने पैसे से ऐसे एग्जाम्पल रखता हूँ। कोई पार्षद अपने पैसे से पानी पिलवाता वार्ड के लोगों को, हमने देखा था। तो ये वाक्य ये भी उसी श्रेणी में है, जैसे बैंक में ये भी कुछ एक सेवा करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर चार ग्रुप बना है, लड़के नए नए यहाँ आए हैं, एक लड़के हैं जो क्या करते हैं भाई, एक है कि पूरा ब्रेड देते हैं और एक तालाब साफ करते हैं, एक खाना बांटते हैं, रोज खाना बांटते हैं और जो डेथ हो जाता है किसी का जिसको लवारिश होते हैं लाश उसको जो है हाँ आप हिंदी बोलते तो है नहीं उसका बोलते हैं बंगला तो हम बोलते हैं बोलते पड़ेगा बोलते पड़ेगा। तो हमारे सामने कोई छोटा मोटी बात मत बोलिएगा, समझ जाएंगे। एक बार एक आदमी क्या लंदन तो हम लोग जो हीरा है वहाँ इंडिया का रखा हुआ है वहाँ पर हर आदमी जाता है उसमें उस म्यूजियम में हीरा देखता है हीरा जो है जो लंदन जाकर देखे तो लौट रहा था दोनों छपड़ा का सब एक बोलता है क्या है कि सर्वा देखा निर्वाह में हमने के कबूतरी के लिए आए थे वो भोजपुरी बोला दोनों किस दिन का बना वो क्या समझा देंगे कि जो हम बैठा हुआ आदमी है हमें और छपड़ा जिला में नौकरी दिया था 35 वर्ष। तो जब उन्होंने कहा कि सरवा सब तो सब देता हूँ जी के ले ड्राइवर कहता है ब्रिज का तो सरवा है डूबा खुशी पूछता था वो भोजपुरी में 35 वर्ष था छपड़ा में कहता है कि सरवा तो नहीं डूबा। तब उस बातचीत हुई कहा कि मैं था और 35 वर्ष इसलिए आप तो हमारे सामने बोलिए अच्छी बात बोलिएगा। ये है कि जितना अच्छा काम चालीमंडी का हो रहा है वो काम बहुत बढ़े और जैसा पहले कह दिया आपको हमने आपका नाम अभी इतिहास में रहेगा सब दिन के लिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर का जो कार्यक्रम है आप ही क्या स्टार्ट हुआ है ये ताले जोर से बजाइए ना। कहा जाता है गुरु जो है ना उसमित पहचान है सबको आप गुरु नहीं दे सकते दे क्या सकते हैं कि गुरु किस गोली दे सकते हैं। तो इसलिए जब आप किसी मिट्टी में जाते हैं तो ताली में जाना मत भूलिएगा क्योंकि ताली से एनर्जी मिलती हो ठीक है कोई बात नहीं हम स्वाप कर रहे हैं। अभी हम इस बगल में क्या बोले बना बना है क्या बना बोलिए तो मुक्त वंश बनाना है जो को कालीपन जी ने कहा है जो उसमें दूल्हा पत्थर लगेगा चिंता तो 10 तारीख को उनको चेक दो लाख रुपया ताकि उसका निर्माण हो जाए ठीक है। तो वहाँ बैठ के आप लोग बातें कर सकते हैं कितना सुंदर जगह ही बढ़ गया है देख कितना अच्छा लगता है गेस्ट हाउस बढ़ गया है जर्सी बढ़ गया है पानी का सिस्टम बढ़ गया है कितना सुंदर लगता है देखने में
तो अब यही बन जाएगा, वो अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और फिर आएंगे फिर बात होगी, जब खूब वर्षा होगी उसमें हम आएंगे अगर देखो जहाँ वर्षा में भारत का अच्छा है। ये शब्द के साथ एक बार हम दस प्रकार को और सचिव महोदय को आप सबों को प्रकार आए सबको हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। মধুসূদন কাটি সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে সকল সভ্য ডাইরেক্টর আমাদের সমস্ত সেলফ হেল্প গ্রুপ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সকলের পক্ষ থেকে আজকের আমাদের ফার্মার্স ক্লাব সহ আমরা যারা শুভনাধ্যায় শুধু তাই নয় গ্রেটফুল টু আমার অনারেবল চেয়ারম্যান শিশু সোশ্যাল ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস সোশ্যাল অর্গানাইজেশনের ডক্টর বিন্দেশ্বর পাঠক পদ্মবিভূষণ, আমরা তাকে প্রতি বৎসর প্রায়শই কিছু নতুন কাজের বিনিময়ে তাকে আমন্ত্রণ জানাই, তিনি উপস্থিত হন, আমরা গর্বিত হই। তেমনি আজকের একটি সৌন্দর্য দিয়ে গোল্ডেন ডে আমি দিনে তাকে পাওয়ার পরে আমরা বহু খুব তার সঙ্গে অতিবাহিত সময় অতিবাহিত করলাম, কিন্তু আমরা ক্লান্ত হয়নি এখনো পর্যন্ত। এখানে যারা বসে আছেন তারা কেউই এখনো পর্যন্ত তারা আজকের দুপুরের আহার গ্রহণ করেনি, কিন্তু আমরা কেউই মনে করছি না আমরা ক্লান্ত হচ্ছি। আমরা এই সমিতির নিরন্তর অগ্রগতি, এই অগ্রগতিকে অভ্যাগ রাখার জন্যে এই ধরনের অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়ে আসছি, পাব। আমরা যথাযথ সম্মানের সঙ্গে তাদের উপদেশ বা তাদের গঠনমূলক প্রস্তাব কার্যকর করার চেষ্টা করি এবং আগামী দিনে এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আমরা সকলেই তার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমরা এখনই এই অনুষ্ঠানটা শেষ করে দেব। আমরা এই মুহূর্তে একটি বিশেষ ঘোষণা আপনার সকলেই শ্রবণ করলেন শুনলেন কিছুক্ষণ আগে, শুধুমাত্র বলেছিলাম যে সাংস্কৃতিক মনস্ক পরিবারকে আমাদের সাথে ধরে রাখা উন্নত মান উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা একটি মুক্ত মঞ্চ বা একটা পডিয়াম অর্থাৎ একটা অনুষ্ঠান মঞ্চ করতে চাই। আপনার কাছে যতটুকু সহযোগিতা পাবো বাকিটা আমরা দিয়ে সেটা সর্বাঙ্গ সুন্দর করার চেষ্টা করব। আমি আনন্দের সঙ্গে তার কথা শোনার পরে গর্ব অনুভব করছি। আগামী দিনে যখনই তিনি আসবেন আমরা সেটাকে ডাকিয়ে আমাদেরকে নিজেকে খুশি হব, তাকে আমরা অভিনন্দিত করব। আরেকটি ঘোষণা যে আমাদের যারা এখানে প্রায় 165 স্বনির্ভর গ্রুপ আছে, যে গ্রুপগুলো 100,000-এর উপরে প্রায় 1,500 মহিলা যুক্ত, এই মহিলাদের আংশিক সর্বনিম্ন পর্যায়েও যদি কর্মসংস্থানের জন্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন এর একটি আমরা প্রোডাকশন সেন্টার অর্থাৎ যদি আমরা করতে পারি তার জন্য আমরা সচেষ্ট হই। এই সপ্তাহে তার জন্যে আমরা পরিকল্পনা বা প্রজেক্ট তৈরি করেছি, আমরা চাচ্ছি যেটাকে মানে এটাকে যদি কার্যকর করা যায় এবং অবিলম্বে সেটা কার্যকর করতে পারো বলে আশা রাখি। এবং 7 তারিখে আমরা চেষ্টা করছি যেখানে এটা ইতিমধ্যে চালু আছে সেখানকার অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবো এবং একসাথে মেহনতি সমবায় সমিতি যারা এই প্রকল্প কার্যকর করেছেন অর্থাৎ বৃষ্টির জল খাওয়াতে রূপান্তর করেছেন তাদের জায়গাটাও দেখতে যাবো এবং একসাথে হিমলগঞ্জ বা তাদের যেখানে যেখানে প্রজেক্ট তৈরি হয়েছে সবকটা প্রজেক্টের অভিজ্ঞতা বা আমাদের ত্রুটি সংশোধনের জন্য আমরা সচেষ্ট থাকবো। এই বলি আমার বক্তব্য শেষ করছি, আপনাদের একটু অপেক্ষা করবেন, আমাদের দুটি প্রোগ্রাম আর বাকি আছে, সেটা হলো আমাদের কয়েকটি মেয়ে দুটি মেয়ে একটু গান করবে, দুটি মেয়ে একটু ড্যান্সিং প্রোগ্রামের জন্য তার উন্মুখ হয়ে বসে আছে, একই সাথে প্রজেক্টের সাহায্যে তাদের কিছু কার্যকলাপ আমাদেরকে দেখাবেন। এই প্রস্তাব করেছিলেন, আমরা সে প্রস্তুতি নিয়েছি, আপনাকে ধৈর্য ধরে কয়েক মিনিট বসুন, সকলকে আবার
जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे लगता था, आज बहुत ही इच्छा है अंदर में, मन में एक इच्छा थी, ये सुलभ नाम क्यों है, ये सुलभ नाम क्यों है, यानी कि बहुत ही हमें बांग्ला तो बोलते पारि मैंने खूब सहजे जे जिनिसटी पावा जाय एटाई होच्छे सुलभ, खूब सहजे जेटी पावा जाय सेटाई होच्छे सुलभ। आमी माननीय बिंदेश्वर पाठक महाशय बिहार बिहार कथार अर्थ यानी बिहार का जो अर्थ होता है यानी कि बहुत पहले सन्यासी जोगी उस अंचल में विहार करने जाते थे, घूमने जाते थे, भ्रमण करने जाते थे, इसलिए विहार। और विहार का वरदान है बिंदेश्वर पाठक जी, विहार के वरदान हैं सच में। वहाँ की माटी में, वहाँ की मिट्टी में कुछ है जो सिर्फ भारतवर्ष को नहीं पूरे पृथ्वी को बिंदेश्वर पाठक जैसा एक व्यक्तित्व दिया है। हमें बोलते चाहिए मानुष सब समय ना अनुकरण करे, माने इंसान हर समय अनुसरण करना चाहता है, अनुकरण करता है, लेकिन आप देखिए, मैं अपना देखूं, पृथ्वी में वही अपनी एक जगह बना सकता है जो अनुसरण या अनुकरण नहीं करता है, कुछ अलग सोचता है, कुछ अलग सोचता है, वही पृथ्वी में अपनी एक अलग जगह बना सकता है। आप अपना एक भगवान भंगी समाज माने हमें खूब भंगल गांधी जी जब भेवेलें कि एक मानुष एक मानुषे नोरा माथा तुले हटबे, मैंने गांधी जी ने सोचा था कि कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो मल त्याग करता है उसको और एक इंसान अपने सर पे लेके जाएगा, ये कैसा न्याय है। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे मैंने एक ब्राह्मण परिवार एक युवक তিনি কি করে ভাবলেন কি একজন মেয়েতর তার সাথে আমি কাজ করব, সে মেয়েতর যেমন একজন মানুষের নোংরাটা তোলে ঠিক আমিও তার মতো সেই কাজ করে দেখব। অর্থাৎ সমাজের এই যে ভেদাভেদটা এটা কিন্তু যদি মিটিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি কিন্তু বীরেশ্বর পাঠক মহাশয় আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই যে ভেদাভেদটা মিটিয়ে দেওয়া। তিনি কিন্তু ভেবেছিলেন কি এর মাধ্যমে কিন্তু সমাজে একটা বিপ্লব এক আন্দোলন আনা, তাই আজকে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবী ভাবছে, পুরা পৃথিবী পুরি পৃথিবী নে সোচা হয় কবি কিসি নে সোচা থা কি ইস তরহ কে কাম কো ভি এক নয়া আয়াম দিয়া যা সকতা হ্যায়, ইস তরহ কে কাম কো ভি। তো মাই ধন্যবাদ দেনা চাহতি হু মধুসূদন কাঠি কো, আর দো লাইন রবীন্দ্রনাথ কি এক কবিতা হ্যাঁ তুমি কেমন করে গান করোগে বলে মে উসকো হিন্দি মে চাল রহি হুঁ আপকে লিয়ে আপকে লিয়ে সমর্পণ করনা চাহতি হুঁ। তুমি কেমন করে গান করোগে বলে মানে আপ কেসে কাম করতে হো, তুম কেসে अचरज भी पढ़ी सुनते हम सुनते गुनी कैसे ऐसा गीत गाते चलते, मैंने हम आश्चर्य हो जाए कि आपने की भावे काष्टक सुरयालो सूर्य की गंगा तुम
सर एक बार इस साइड भी यस पूर्णमदाय पूर्णमिदाय च चैतन्य हरे हरे कृष्णा हरे भो हरे भो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.